सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज देख सकते हो क्या भयंकर ही मौसम हो रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ठीक है। एंड तुम्हारा मसूरी वगैरह हर जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हाल चल रहे हैं, ठीक है। पर आए है कि अब ज़्यादा ही हो गई बारिश। तो भाई ये रही हमारी नैरोबी। एंड आज 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 तो बहुत कुछ है तुम्हें बताने को। ये टायर एक्स्ट्रा और ये मैंने अलग से यहाँ पे रखे, अभी नंगे पैर घूम रहा हूँ ताकि तुम्हें ये दिखा सकूँ, ठीक है। तो फाइनली हमारे बूट्स आ चुके हैं अल्पाइन स्टार के, सुपर आरटेक या जो भी बोलते हैं इनको, नाम मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे ये तीनों अल्पाइन स्टार के हो चुके हैं भाई पूरे। ये पतीला बाबू के लिए है और बस एक जैकेट और वो बची है, क्या कहते हैं उसे नीचे का, मतलब पूरा एक सूट बचा है सिर्फ और बाकी सारा हो गया है, ठीक है। तो ये है अल्पाइन स्टार का आरटेक सुपर आर टेक, ठीक है। ये है SP8, यही ये भी अल्पाइन स्टार के हैं और ये आपको बताया ही मैंने। और भाई मज़े की बात पता है सबसे ज़्यादा क्या है, ठीक है। मैं कभी फ्लेक्स नहीं करता, तुम्हें पता है किसी भी चीज़ का मैं कभी फ्लेक्स नहीं करता, जो मुझे घर से मिली होती है। पर जो मैं खुद खरीदता हूँ ना भाई, उस चीज़ का मैं फ्लेक्स करता हूँ। तो भाई ये मैंने खुद खरीदे, ये मैंने खुद खरीदे। तो भाई ये आपको पता ही है, ये आया था 1,10,000 रुपये का। एंड ग्लव्स तो सस्ते ही हैं, ये आए थे 12,000 रुपये के। एंड मतलब इनके साथ मुझे डिस्काउंट पड़ के 10,000 के ही पड़े। और ये मेरे को अल्पाइन स्टार के पड़े 55,000 के। और भाई देख सकते हो क्या मस्त है भाई, ठीक है। बस मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है इसमें चलाना, इसके अंदर एक और है, मतलब कुछ ज़्यादा ही सेफ्टी है। ये ट्रैक के लिए है भाई और हम इसको क्यूडोल में यूज़ करेंगे क्या सेफ्टी होती है भाई। एंड हाँ एक चीज़ इससे याद आया सेफ्टी से, अभी एक वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें एंड उसका एक निशान भी दिखाऊंगा जो हमारी नैरोबी पे बहुत भयंकर हो चुका है। हाथ ज़्यादा यूँ नहीं कर रहा मैं। सो गाइस चलिए, ये देखो ये डबल है, पहले मैं इसको अलग अलग पहनता था, फिर मेरे को पता लगा एक साथ पहनने होते। चलिए फिर आए, तो बाबू ने FIR कर दी है एंड रजिस्टर भी हो गई है। एंड बस अब हमारी गवाही होनी है एंड उसके बाद जैसी गवाही होती है और इसको घुमा घुमा के कुछ करना होता है। अभी तो ऐसे ही पहन लेते हैं यार, थोड़ी देर के लिए पहनना है। अगर राइड वाइड पर जा रहा होता तो अच्छे से पहनता। ये लग गया यहाँ पे और ये आपका, ठीक है। हाँ 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 फील तो आता है ऐसे पहन के, खैर। एंड अब जैकेट का भी मैंने बात करी थी तो वो लोग कह रहे थे कि आ जाएगा ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन में, एक महीना मान लो लग जाएगा। एंड मैं बता रहा जैकेट देख के भाई तुम्हें प्यार हो जाएगा, इतनी प्यारी जैकेट है वो, जैसे बूट्स हैं ना वैसी उसी कलर में है बट बहुत ही स्टाइलिश। इसमें थोड़ा सा पैर घुसाना आफत है पर ये एक बार घुस गया तो फिर सेफ्टी। तो भाई तुम्हारे लिए भी जो सरप्राइज़ है वो भी बताता हूँ, ठीक है। अभी जल्दी से मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा, एक देख के आओ पहले से। तो देख लिया। तो फाइनली हमारी सुपर बाइक कि हम परसों रख रहे थे मीटअप, बट जैसा ये मौसम चल रहा था मेरा मन हो गया कि नहीं नहीं नहीं, एंड इसलिए मैं अभी तक बाइक घर भी नहीं लाया। तुम्हें पता है देहरादून आ चुकी है, ठीक है। एंड ये मैं पहले ही बता दूँ, ये Z900 की बात नहीं हो रही, अब कौन सी है वो तुम समझ जाना, ठीक है। और ओ भाई बजरियों पर चलने में फील आ रही है। देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पहली बार बूट्स यूज़ करे हैं और वो भी सीधा फिर मैंने अल्पाइन के यूज़ करे और ये भयंकर सी फीलिंग आ रही है। ऐसी फीलिंग आ रही है इस पर गेट पे खोलूँ ना इसको लात मार के तोड़ दूँ करके। पर फिर अंदर एक महिला बैठी है वो मुझे तोड़ नहीं है। तो अब नुकसान दिखाता हूँ सबसे पहले तुम्हें। टेल टूट गई थी, ठीक है, ये दोबारा से लगाई, ये दूसरी टेल है, वो तो शोरूम पे अवेलेबल थी इसलिए मेरे को मिल गई, वरना मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ ये 35,000 रुपये की है। एंड इंडिकेटर्स वगैरह तो नहीं टूटे थे, सिर्फ टेल टूट के अंदर घुस गई थी। एंड भाई ये देख सकते हो यार, बस मैं क्या कहूँ, जैसे ही मैंने उसके बाद मैं उठा, जैसे मैंने बाइक उठाई मुझे लगा मे बी वो लड़का साइड लगाएगा, ठीक है, बट वो भाग गया। ढूंढने को तो मैं ढूंढ सकता हूँ, मैं एक स्टोरी डालूंगा उसकी फ़ोटो के साथ, बट अब कोई नहीं, जो होना था खैर वो हो ही गया, ठीक है भाई। और कोल्ड स्टार्ट आज इसका हो गया था तो सॉरी भाई आज कोल्ड स्टार्ट नहीं सुना पाएंगे। तो भाई अभी बच्चे आ रखे, बच्चे क्या मेरी उम्र के ही थे सब्सक्राइबर्स, तो वो आ रखे थे 5-6 थे, नहान से आ रखे थे और फिर उनको आवाज़ सुननी थी तो इसलिए कोल्ड स्टार्ट हो चुका है पहले ही। रुको फिर भी तुम्हें थोड़ा सा आवाज़ सुना देते हैं। Mm-hmm.
भाई मीटअप में आप सबका, आ जाओ आ जाओ। बच्चे आ रखे, आ जाओ। और बताओ, पानी वानी पिलाएं कुछ? चलें फिर, चलो। वीडियो का आया वरना रुकता मैं भाई हैं। कोई नहीं, वैसे ही मौसम भयंकर, इतने दिनों में खुला। राधे राधे। बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया, क्या बात है, बढ़िया लग रहे, क्या बात है। अरे अभी लिए मैंने, ये हो गया एक हफ्ता। अच्छा, 1 लाख के नहीं, ये 50 के हैं, 55। ओके, सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देख सकते हो इस गाड़ी पे पानी पड़ा है, तो कहीं बारिश हो रही होगी पीछे। देहरादून का यही है, आधे एरिया में बारिश होती रहती है, आधे में पता नहीं क्या क्या। गड़ी कैंट वाली रोड तो बिल्कुल ट्रैक जैसी लगती है हमारे लिए, ठीक है। दो दिल्ली वगैरह वाले जो बड़े बड़े शहरों से, खैर देहरादून छोटा नहीं है, बट फिर भी जो इन शहरों से देखते होंगे उनको तो बहुत कॉमन सड़क लगती होगी, बट हमारे लिए एक यही सड़क है जिसपे हम थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग दिखा सकते हैं आपको। एंड प्लीज़ इसको कॉपी मत करना, हम लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस है, हम तो नहीं, मैं अकेला ही चला रहा हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब आदत है इन चीज़ों की, तो फिर भी खैर होने को किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। एंड कोशिश करो, सेफ्टी रखो। लॉन्च कंट्रोल ऑन कर दे क्या? लॉन्च कंट्रोल पिछली बार तुम लोगों को बहुत पसंद आया था। मेरे काम का नहीं यार, मैं अब वीडियो बनाते हैं। हाँ अच्छा, तभी मुंह छुपा रहे हो? फॉलो करते हो? करते हो फॉलो? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा प्रिया। क्या दिला दो? चॉकलेट। चॉकलेट। कितने अंकल इनके? अंकल कितने इनके? 200। क्या दिया? हेलो, क्या हाल है? बढ़िया। मारे क्या हाल है? क्या क्या नाम है? इसका नाम समीर, मेरा नाम आलोक, इसका नाम अजय, इसका नाम ना। चलो बाय 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 बाय। बच्चे खुश हो जाते हैं यार एक रैप पे, तो बहुत अच्छा लगता है। ना लगाओ या मतलब, तो समझ रहे हो, अगर तुम स्टॉक एग्जॉस्ट लेके भी घुसोगे ना भाई, मैं सच बता रहा, ट्रस्ट भी भाई, लोगों का एक तरफा ध्यान खींचता है। देख कहाँ खड़े हैं यार।
तारीफ करूँ ना उतनी कम है भाई, इतने भयंकर ब्रेक, मतलब सीरियसली यार इतने, बस क्या ही बोलूँ मैं, नज़र ना लग जाए। मैं तो ऐसा बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने वो टेल का लुक बोला था कि टायर के ऊपर क्या सिक्सी लग रहा है, और ये बोलते ही मेरा वो निशान बना दिया, देख रहे हो। खैर हुआ इस चीज़ में 10 दिन का डिफरेंस आ गया। अबे कोई सुपर बाइक है आगे या पीछे है मेरे साथ? मैं देख लिया था शीशे में, मैं रुका। अच्छा बताया, बच्चों ने बताया, एक मिनट आगे कर लो। यार बड़े दिनों में मौसम खुला, बस व्लॉग आज बना। बारिश में बहुत गंदा आ गया भाई, बहुत सेक्सी हेलमेट लग रहा है, सही लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। चलो चलो ठीक है एकदम। और बताओ, और कहाँ जा रहे हो? बस व्लॉग ही बना रहा था यार, बस मैं भी व्लॉग बनाने के लिए चला था। कहाँ किधर जा रहे? अभी आगे घंटा। चलो चलो खतरनाक कॉन्फिडेंस है भाई में। अभी आगे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? यार आगे चलते, कहाँ चलते बताओ, कहाँ बढ़िया रहेगा?
क्योंकि देखो भगाना अगर साथ में कोई आ जाए ना तो भगाने में मजा आ जाता है, ठीक है। एंड एक ही चीज कहूंगा, सेफ्टी रूल्स फॉलो करो। इसमें से जो तुम वीडियो देख रहे हो ये पूरी एडिटेड है, ठीक है, बट हाँ थोड़ी बहुत ओवर स्पीडिंग हुई है, उसका भी कोशिश करेंगे हम आगे ना हो। कैसे भाई? अरे बढ़िया बढ़िया भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। चले भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई, मिल गया भाई। आना मीटअप में भी आना। कहाँ पे? इस पे मैं डालूंगा स्टोरी देख। ठीक है, अब काम करो। चलो भाई फिर। थैंक यू ब्रो। चलो मैं चल रहा फिर, यहाँ से ऊपर जा रहे क्या? हाँ ऊपर जा रहे। चलो चलो फिर ऊपर हो क्या हो रहा है? नीचे जा रहा बस ब्लॉग पूरा करके। अच्छा, 7 बजे तक घर पहुँचना है यार। चलो ठीक है, चलो मज़ा आया।